हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं मैथ का मॉडल पेपर का अगला सॉल्यूशन, जिसमें पूरे लिए हैं 1 से लेकर 20 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हालांकि जो पहले हम मॉडल सेट का सोल्यूशन बताए थे, तो ये नए पैटर्न 2020 के अनुसार आपको 1 से लेकर 60 तक के मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब OMR शीट में रंगना है। तो आपसे बता दें कि हम 2 पार्ट इसका ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 20 तक का पहला पार्ट है, 20 से लेकर 40 तक का दूसरा पार्ट है, और 40 से लेकर 60 तक का यह है अगला पार्ट। तो इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन की आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए में दिया गया है 8.10, बी में 4.6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो पहला से मिला है 6.8, बी में दिया है 8.6, सी में 8.4 और डी में 4.8। तो आप सभी को बता दें कि हमारा वीडियो सीरीज का जो पहला क्वेश्चन होता है, उसका जवाब आप सभी को नीचे जाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे पूछ रहा है कि बिंदु 4.5 तथा 6.5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 39 का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने में अगर परेशानी हो रही होगी, तो ये प्रश्न को समझ लीजिए सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पहले वाला पूछा गया है। तो आपको क्या करना होगा कि 2 बिंदु का नियामक दिया गया है, इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, तो आप एक फार्मूला का यूज करेंगे जो होते हैं x1 + x2/2। उसी प्रकार से होते हैं y में y1 + y2/2। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, x1 का मान 4 है, x2 का मान 6 है, तो 6 × 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 में 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाते हैं दोस्तों, 5 हो जाते हैं। उसी प्रकार से y1 का मान जोड़ देंगे 5 है, और y2 का मान भी 5 है, तो 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10, और 10 में आप 2 से भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का जो राइट आंसर आने वाला है हमारा, वह हो जाएगा 5.5। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी में मौजूद है 5.5, जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो दिया गया है कि बिंदु -5.7 और -1.3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आज सभी को बता दें कि दूरी का जो एक फार्मूला होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए, x2 का मान यहाँ पे -1 है, तो लिखेंगे -1, और प्लस माइनस होते हैं x1 का मान, तो x1 का मान दोस्तों -5 है, तो ये हो जाएंगे क्या चीज़, -5, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद में होते हैं प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान की बात करें तो यहाँ पे 3 है, और माइनस y1 का मान दोस्तों कितना है, तो 7 है, इसको भी करना है आप सभी को स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि देखिए, -1 है और +5 है, तो -1 का मतलब मान लेते किसी के पास 1 रुपया कर्ज है, और 5 रुपया उसे कहीं से प्राप्त होता है, तो 1 रुपया कर्ज दे भी देगा तो उसके पास 4 बचेंगे, और 4 का स्क्वायर दोस्तों कितने होते हैं, 4 × 16 होते हैं। फिर लिखेंगे +3 में से आप सभी को क्या करना है, 7 को घटा लेना है, तो आपका बचेंगे -4, और -4 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 4 × 16 होते हैं। आप सभी को क्या करना है कि 16 में 16 को जोड़ देना है, तो ये 32 जाते हैं, और 32 का गुणनखंड तो आप सभी जानते होंगे कि 2 × 4 × 8 × 16 × 32 होते हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएंगे कुछ 4 × 16, और 16 × 32। तो आप सभी को मालूम हुआ कि रूट के अंदर जो जोड़ा लगा के हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 × 4 = 1 आ जाएगा, अकेले हमारा 2 बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है वो 4√2 आएगा। तो चलिए फिर ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ऑप्शन डी में मौजूद है 4√2, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा ये फार्मूला पूछा गया है कि 1 + tan²θ का मान क्या होता है। आप सभी को बता दें कि 1 + tan²θ का जो मान होता है वह sec²θ होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक फार्मूला है जो आप सभी को याद करना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए। 1/√3
किसका मान है, तो एक बटे रूट अंडर तीन किसका मान है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन से देख लेता हूँ। तो देखिए एक बटे रूट अंडर तीन की बात करें किसका मान है, तो देखिए साइन में तो एक बटे रूट तीन किसी का मान नहीं होता है, तो इसको आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। उसके बाद में कॉस में भी नहीं होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन नहीं करना है। तो दो हमारा ऑप्शन ऐसा ही गलत हो गया। छः कॉट स्क्वायर पाई बटे तीन की बात करें तो लिखिएगा छः गुने कॉट पाई की जगह पर लिखिएगा आपके जहाँ जहाँ पाई मिलेगा वहाँ पे 180 डिग्री बैठाना है बटे तीन, तो ये तीन दूनी छः कट जाएंगे, तो 180 में दो से गुणा कर देंगे तो हमारा तो कभी भी एक बटा रूट तीन नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे टेन पाई को देखिए, तो टेन पाई में क्या कीजिएगा कि 180 बटे छः कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपके कट जाती है 30 बटे, और आपसे बता दें टेन में जो 30 डिग्री का मान होता है वह एक बटे रूट तीन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी टेन पाई बटा सिक्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी आपसे मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यदि रूट तीन कोसेक थीटा बराबर दो, देखिए रूट तीन कोसेक थीटा बराबर दो दिया गया है, तो थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आप कोसेक थीटा बराबर दो लिखते हैं तो आपको गुना में रूट तीन दिया गया, ठीक है। तो ये आप आ जाएंगे क्या चीज़ में, भागा में आ जाएंगे। तो अब आप सभी को याद करना होगा कि कोसेक में कितने डिग्री का मान दो बटे रूट तीन होते हैं। जिन भी स्टूडेंट को जवाब मालूम होगा आप जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए। हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोसेक में 60 डिग्री का जो मान होता है वह दो बटे रूट तीन होता है। उसके बाद में उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि 1+10 स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आप पहले वाले मेरा पार्ट क्रैश कोर्स का देखे हैं तो आप सभी बहुत ही सही तरीके से जान भी इसको बना भी सकते हैं। देखिए अगर 1+10 स्क्वायर अगर नीचे रहता तो हमारा जो आंसर आता वो 10 आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है नीचा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे त्रिकोणमिति का पार्ट देख सकते हैं, उसमें मैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन आप सभी को बतलाया हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 को देख लीजिए। दिया गया एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और क्यू के केंद्र से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेमी है, 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए मैं इसको फिगर के सहायता से बनाता हूँ। दिया गया है एक बिंदु क्यू, एक बिंदु है जो क्यू से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेमी और क्यू के केंद्र से 25 सेमी। देखिए एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक है, यह वृत्त है, ये हमारा त्रिज्या हो गया और ये एक स्पर्श रेखा है, एक और एक इस तरीके से स्पर्श है कि यहाँ पे लंबाई है, ठीक है। तो ये हमारा ये दिया गया हमारा 24 सेमी, ये दिया गया 25 सेमी, तो हमारा ये पूछा गया, ठीक है, ये आर पूछा जा रहा है, त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जिसमें हम 25 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस कर देंगे 24 का स्क्वायर। तो आप सभी को मालूम हुआ कि 25 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो हो जाते हैं 625 और माइनस 24 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 576 हो जाते हैं। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि 625 में से अगर हम 576 को घटा लेते हैं तो हमारा 49 बचते हैं। 49 का दोस्तों वर्गमूल कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है वो 7 सेमी आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि दी गई आकृति में यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर क्या होगा। पी टी क्यू, ये दोस्तों आपसे कौन पूछा गया, ठीक है, ये पूछा गया है और आपको ये पी ओ क्यू दिया जा चुका है। तो आपसे बता दें कि बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न अगर मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। हालांकि तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा कि ऐसे तो प्रश्न कभी भी समझ पाना हम लोगों की बस की बात नहीं, लेकिन ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ये जो कोण दिया गया 180 डिग्री दिया जा चुका है आपसे, ये कोण पूछा गया, ठीक है। तो आपको इतना दिमाग लगाना है कि अगर ये कितना डिग्री दिया गया और हमें कितना डिग्री मिला देंगे कि हमारा 180 डिग्री पूर जाएगा। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होते हैं, तो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 110 डिग्री दिया गया, ठीक है, तो 110 में हम कितना जोड़ देंगे कि हमारा 80 पूर जाएगा 180। तो अगर हम क्या बोलते हैं 70 अगर जोड़ दे तो 180 डिग्री पूर जाएगा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में मौजूद है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक बिंदु पी से क्यू केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है, जो रेखा जो इस प्रकार है जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण पी ओ ए बराबर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर 50 डिग्री होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में मौजूद है।
जो भी स्टूडेंट को ये ब्रीथ से संबंधित वाले जो चैप्टर है उसका सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे संभव नहीं है बना पाना, तो इसका मैं कॉपी पे सॉल्यूशन करके आप सभी को बता सकता हूं, तो आप सभी को कमेंट का जरूरत है। उसके बाद क्वेश्चन में 50 दिया गया, यदि किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निम्न में से कौन सा संबंध होता है, तो आपसे बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, चूंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो आपस में समान होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 51 को देख लीजिए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त को जो परिधियों का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि परिधि क्या हो जाएगा, 2πr होता है, और यहाँ पर त्रिज्या है वो दोगुनी करना है यानी 2πr² कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, आर से भी आर एक कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2r था। ठीक है, तो यहाँ पे था 2r, तो एक 2 इधर बच जाएगा, या यहाँ पे आप कर देंगे 2r यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ से एक r हटा देना, चूँकि एक इसको दोगुनी करना है, तो फिर r से r कट जाएगा हमारा, तो इधर बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेगा और इधर पूरा कट गया है तो हमारा एक बचेगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वह 2:1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में मौजूद है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 जो दिया गया काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में पुनः कितना समय लगेगा। दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न अगर मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो केवल आपको क्या करना है कि एलसीएम याद करना है, 3, 4, 8 दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि 3, 4, 8 का आपको एलसीएम ज्ञात कर देना है। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि 4 मरते लगाइएगा, तो 3 का 3, 4 एकम 4 और 4 दूनी कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद में आप सभी में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, यानी 4 × 3 × 2, तो आपसे बता दें 4 तियाँ कितने होते हैं, 4 तियाँ 12, और 12 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 24 होते हैं। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 24 घंटे बाद पुनः स्थान बिंदु पर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, और ये भी आपके मेट्रिक एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। तो पहले वाला क्वेश्चन ये दोनों सेम टू सेम दिया गया था कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के त्रिज्याओं का परिधि का अनुपात क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2:1 हो जाएगा, चूँकि मैं इसका सोल्यूशन मैं आप सभी को पहले ही बता दिया हूँ। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, और क्वेश्चन नंबर 54 भी आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होते हैं, πr² होते हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, यानी कर दिया जाए 4πr², तो आपसे बता दें कि r² से r² हमारा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इधर 1 मरते बच जाएगा, इधर बचेंगे 4, तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1:4 आना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन बी में मौजूद है। जो भी स्टूडेंट को इसका सोल्यूशन मालूम है जल्दी से वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि एक घन का आयतन 125 m³ है, तो इसका कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 150 m हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलक के क्षेत्रफल x², y² और z² है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आप सभी को बता दें कि जो घन का जो आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया, x², y², z², तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, xyz। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर xyz हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे आयतन पूछा जाता और क्षेत्रफल ना देता, केवल देता कि किनारा है, तो x², y² और z² हो जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर xyz हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 को देख लीजिए, यह भी आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है किसी ब्रह्मवर्ता का बहुलक क्या होता है, यानी कोई भी ऐसा ब्रह्मवर्ता है जिसका बहुलक क्या होता है, तो आपसे बता दें जो अधिकतम ब्रह्मवर्ता का जो मान होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है बहुलक का, दिया गया है कि 1303
का बहुलक क्या होगा। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें बहुलक क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो अभी आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि अधिकतम परमवार्ता का जो मान होता है वो बहुलक कहलाता है। तो ये जो बहुलक इसमें परमवार्ता का जो मान दिया गया, इसमें देखना है कि कौन ऐसा मान है जो बहुत ज़्यादा बार इसमें रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर बात करिए तीन की, तो तीन एक ऐसा संख्या जो तीन बार आया है, लेकिन तीन से ज़्यादा बार कोई संख्या नहीं है जो आया हो, तो अधिकतम परमवार्ता का मान कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तीन इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा। उसके बाद में चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो कितनी होती है। आपसे बता दें कि वैसी घटना जो घटित होना निश्चित है यानी संभव है उसे निश्चित घटना कहते हैं। उस निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है। वहीं भी बात करें अनिश्चित घटना यानी असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो शून्य होती है। तो आप सभी को याद रखना होगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और अनिश्चित यानी असंभव घटना की प्रायिकता होती है वो शून्य होती है। उसके बाद में दिया गया है कि निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपसे बता दें कि कोई भी ऐसा प्रायिकता है जो एक या एक से बढ़कर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कोई प्रायिकता एक या एक के बराबर या एक से कम ही होता है। तो यहाँ पर बात करें तो बी तो प्रायिकता हो सकता है, एक भी हो सकता है, ये अनुपात में दिया गया ये भी हो सकता है, लेकिन जो -5 दिया गया माइनस में हमारा प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आपको मेरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी में प्रॉब्लम, तो डाउटनेट को ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप क्या कीजिए, किसी भी प्रश्न का फोटो खींचिए और तुरंत पाए वीडियो सोल्यूशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप और करें अपने हर डाउट की छुट्टी 10 सेकंड में। दोस्तों आपसे बता दें कि डाउटनेट ऐप में क्लास 6 से लेकर IIT JEE तक मैथ के साथ साथ क्लास 10th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के और तथा बायोलॉजी के सभी सवालों का जवाब वहां पे सिर्फ 10 सेकंड में पा सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप और करें अपने हर डाउट की छुट्टी सिर्फ 10 सेकंड में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए आज आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। दोस्तों मैं कुमार शाही जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।